ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। कल तेजस्वी यादव राजद ऑफिस पहुंचकर चुनावी तैयारी की बिगुल फूंकते हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे सामने नीतीश कुमार है और जब नीतीश कुमार रहेंगे सामने तो राजद और भी ज्यादा मजबूत होगी। इसको लेकर आज पटना पहुंचे ललन सिंह से जब सवाल किया गया तो ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए तेजस्वी यादव को, उनकी कुंडली में जो उनकी चाहत है वो लिखा ही नहीं है। तेजस्वी यादव की जो चाहत है वो उनकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से उनकी चाहत कभी भी पूरी नहीं होगी। बिहार में लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं के साथ तैयारी में जुट गए हैं, बचा हुआ सारा काम जल्द से जल्द पूरा करवा रहे हैं ताकि इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में मिले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी ने कल मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार और बीजेपी को ये कहकर सुनाया कि अब हम जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा हमें जनता का और हम जीत मुकम्मल करेंगे। इसको लेकर आज ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी करते हैं जो भी कहते हैं ये सब उनका ख्याल है, वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तेजस्वी यादव से कुछ होना जाना है नहीं, वो बस कहते रह जाएंगे। जो उनकी चाहत है, उनकी चाहत बिहार की सियासत पर बैठने की है, बिहार की सत्ता पर बैठने की है, तो वो चाहत कभी पूरा नहीं होगी क्योंकि तेजस्वी यादव की कुंडली में ही दोष है। कुंडली में लिखा नहीं है कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे। आप सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहेंगे तो राजद और मजबूत होगी। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाए, उनकी जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा। आपने देखा कि साफ तौर पर ललन सिंह ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव की जो चाहत है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मानसून सत्र खत्म होने के बाद ललन सिंह बिहार वापस आए हैं और अब बिहार की सियासत में तमाम जेडीयू नेता मिलकर नीतीश कुमार को फिर से एक बार सत्ता पर बैठाने की कोशिश में लग जाएंगे। नीतीश कुमार ने 20 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है और अब 20 सूत्रीय कमेटी नीतीश कुमार को हर क्षेत्र का अपडेट देगी, नीतीश कुमार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी और नीतीश बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करवा रहे हैं ताकि इसका सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार और एनडीए को मिले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यूं कहें कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी, जनता के पास पहुंचकर नीतीश की खामियां और नीतीश की कमियों को गिनवाने के लिए तैयार हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले भी तेजस्वी यादव ने यात्रा की शुरुआत की थी और तमाम विधानसभा सीट घूमकर आए थे और इसका फायदा भी तेजस्वी यादव को मिला और अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी तेजस्वी यादव आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को कितना ठगा है, बिहार के साथ क्या किया और खुद तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने क्या किया है, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर पहुंचाएंगे, जिसकी शुरुआत तेजस्वी ने कल कर दी। तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार के बारे में कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सब कुछ बिहार में ठीक चल रहा था, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, हम अपने मकसद को पूरा होते देख रहे थे। हमने कहा था कि बिहार में रोजगार दिया जाएगा, हमने रोजगार दिया है। मात्र 17 महीने में हमने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया और नीतीश कुमार देखते रह गए। नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहा है वो दावा कहाँ से पूरा होगा, क्या वो अपने बाप के घर से पैसा लाकर देगा, सैलरी कहाँ से मिलेगी उन लोगों को। तो तेजस्वी ने कहा कि हमने साइंटिफिक तरीके से ये सब कुछ किया और वो सब कुछ पूरा भी हो गया। अभी भी 3 लाख और रोजगार दिए जाने हैं जिसका क्रेडिट नीतीश कुमार लेंगे। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव मंच से कहते नजर आए और अब ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की इन तमाम बातों पर कहा कि तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं, तेजस्वी का जो मकसद है, तेजस्वी की जो चाहत है
वो कभी भी पूरी नहीं होगा, क्योंकि उनकी कुंडली में ये लिखा ही नहीं है कि वो बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।